गोप्रो के लिए मैंने कुछ एक एक्सेसरी लिया है जिसके कि अपने वीडियो क्वालिटी बहुत ही दमदार होगी होपफुली। अब जाके ट्राई और टेस्ट करेंगे। बिना यहाँ पे जो बारिश का मौसम इतना मस्त बना हुआ है, बहुत ही मस्त। अरे भाई साहब यहाँ पे सोया है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बिक गया, बिक गए। और अभी अपन चलते हैं ये गाड़ी का कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो अपने पिछले कुछ रील्स में देखे रहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये हिल्ड होल्ड असिस्ट, हिल्ड डिसेंट कंट्रोल, ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब के। अभी मैं गाड़ी अगर स्टार्ट करूँ, एक मिनट, गाड़ी अगर स्टार्ट करूँ, ठीक है, अब ये तीन साइन बैटरी साइन तो चले जाएगा, ठीक है। और ये जो तीन साइन है, एक मिनट, ये बैटरी साइन जा रहा क्यों नहीं इतने टाइम, हाँ गया। ये जो तीन साइंस है ना, इसकी वायर बेसिकली चूहे ने काट ली है। और ये मैंने मुंबई में क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पर टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे आके मुझे मतलब सिर्फ दो चीज़ें करनी पसंद है, एक तो यहाँ पे कभी घूमना फिरना होगा तो, नहीं तो गाड़ी को पैपर करना बहुत ही पसंद है मुझे। और कुछ यहाँ पे करने के लिए है भी नहीं, कुछ पेंडिंग वर्क हो तो ख़त्म कर लेते, उसके बाद में टाइम ही टाइम रहता है, तो फिर उससे वो टाइम को कंज्यूम करने के लिए गाड़ी को अपन पैपर करते बैठते हैं, ठीक है। तो अभी अपन जा रहे हैं सिटी में, तीन चीज़ें लानी है, एक तो गाड़ी का जो विंडशील्ड वाइपर, सॉरी वाइपर का जो स्प्रेयर रहता है पानी जिसमें से आता है कांच पे, उसके पाइप कहीं ख़राब हो गए, तब उन्हें पूरा पाइपिंग चेंज करने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, जो वायरिंग हार्नेस, मतलब वायर मुझे लगेगा, एक्स्ट्रा वायर लगने वाला है, क्योंकि वो स्ट्रिप करके मैं अच्छे से उसको फिक्स करने वाला हूँ, फिर उसके बाद में ये लाइट्स चले जाएंगे। वो करने के बाद में अपन लेने वाले हैं, कल जो मैंने सिनेमैटिक इतने सारे वीडियोज शूट किया ना, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा था वो वीडियोस में, तो उसके लिए एक जुगाड़ मैंने सोचा, तो वही लेंगे अपन। और उसके बाद में देखेंगे, कुछ सिनेमैटिक वीडियोस बनाएंगे और अपलोड भी करेंगे, और फिर देखेंगे क्या डिफरेंस आता है कैमरा रिलेटेड। तो देखते हैं, कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। और अभी चलते हैं और सारी चीज़ें लेके आते हैं। बेसिकली हमेशा निकलते टाइम ना मैं भूल जाता हूँ वहाँ पहुँचने का कि क्या लेना है, तो नोट डाउन करके रखेंगे कि एक तो वायर लेना है, दूसरा पाइप लेना है, और तीसरा को लेना है सिनेमैटिक के लिए कुछ नई चीज, ठीक है। चलो चलते हैं। और बाहर बारिश का मस्त एकदम तगड़ा मौसम बना है। हम लोग कल रात को यहाँ पे पहुंचे और मैंने ऑल द वे मुंबई टू कोल्हापुर का व्लॉग नहीं बनाया, मतलब रोड ट्रिप ऐसा कुछ ऐसे बनाया नहीं ऐसा, क्योंकि हम लोग डेढ़ दो महीने में आते ही रहते हैं, तो कितना वही रोड, मतलब ठीक है, मेरे को खुद को बोर हो गया हूँ। भले चैनल पे इतने सारे व्लॉग्स, मुझे लगता है चैनल पे मुंबई टू कोल्हापुर स्पेसिफिक ट्रैवल का एक भी व्लॉग नहीं है, बनाना चाहिए, ठीक है। ये बनाया क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा ये रोड पे आते जाते रहते हैं, तो माइंड सेट हो जाता है, एक माइंड में बैठ जाता है कि बार बार आ रहे हैं, मतलब ये रोड हमेशा का ही है, तो फिर क्या माना था इसके लिए। चलो आगे चलते। गेट खोल देते हैं और यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऐसी है कि दोपहर को 1 बजे सारे शॉप्स बंद हो जाते हैं, दोपहर के 4 बजे तक, तो 1 से 4 बहुत ये लोग का रिलैक्सिंग टाइम है, सोते रहते मतलब ऐसे बोल नहीं सकते, ठीक है, आराम का टाइम रहता है दोपहर को 1 से 4। पुणे से और पुणे में भी और कोल्हापुर में, दोनों जगह पर मैंने देखा है, तभी जाते देखते अपने को मिला तो मिला, नहीं तो फिर क्या, कल जाएंगे, नहीं तो शाम को जाएंगे, टाइम की कोई कमी नहीं है। बारिश एकदम तड़ाके की चालू है, अभी मजा आ रहा है। यस, ये वाला टर्न हम लोग का बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ से कोई लेफ्ट राइट ऐसे कुछ इंडिकेशन है ही नहीं, आराम से जाना पड़ता है, खास करके बाइक वालों को संभाल के, तो खाई नहीं करनी चाहिए कहीं पे भी, आराम से, आराम से। देखो बेसिकली ये जो तीन
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जो क्रिसमस ट्री बना के रखा है ना उसको ठीक करना है। अभी तीन सामान लाते और जाते, तब तक आप लोग आगे के नज़ारे देखो। पूरे मुंबई कोल्हापुर के रोड पे एक जगह पे भी थोड़ी सी बारिश नहीं मिली और यहाँ पे आके एकदम रिमझिम बरसो रही में हाँ चालू है। ऐसा लग रहा है मुंबई से हम लोग बारिश लेके आए यहाँ पे, ये भी एक अच्छी बात है। मजा आ रहा है, मानसून मतलब कुछ अलग ही चलता है, सब एकदम ग्रीनरी हो जाती है, फैल जाती है। और थोड़ा सा टर्निंग पे मैं ध्यान देता हूँ, व्लॉगिंग बाद में देखता हूँ। तो अभी हम लोग कोल्हापुर सिटी में एंटर कर चुके हैं। तो बेसिकली गांव में थे और वहाँ से अपोजिट साइड सिटी में आ गए और यहाँ पे जाएंगे सामान लेंगे। कोल्हापुर सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड हिस्टोरिक प्लेस इन एंटायर स्टेट। यहाँ पे हेरिटेज प्रॉपर्टीज इतने सारे हैं ना, इतने सारे देखने के लिए ना बहुत कुछ है। बस आ लो दो मिनट, तो कैमरा देना। तभी हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफी यहाँ पे आए हैं कुछ इसके लिए लेने के लिए। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या मिलता है। गोप्रो के लिए मैंने कुछ एक एक्सेसरी लिया है जिसके कि अपनी वीडियो क्वालिटी बहुत ही दमदार होगी होपफुली। अब जाके ट्राई और टेस्ट करेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। और अभी चलते हैं, ये वो चीज़ है, तो अभी इसको लगा के देखेंगे और दो तीन सिनेमैटिक वीडियो शूट करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे दिखता है। ठीक है, देखो अभी मिले 10 रुपए के 10 लींबू। देखो ये देखो शेट लग, आज के तारीख की सबसे महंगी चीज सबसे सस्ते में लेके आए। लींबू तो भाव पड़ ला ना। ठीक है, एनीवेज मन की खुशी